इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन एक राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, तो एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन्हीं की अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है वो कौन सा है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, भूरी मिट्टी मिलेगी, वो कौन सी क्षेत्र है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है जहाँ पे आपको क्या मिलेगी, राजस्थान में भूरी मिट्टी मिलेगी, क्या मिलेगी, भूरी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, आडोती पठार की मिट्टी है, जो आडोती पठार है उसकी मिट्टी किस प्रकार की है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, हाडोती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है, तो वह है मध्यम काली, मध्यम काली, पूरी काली नहीं कह सकते हो आप, मध्यम काली मतलब बीच में से काली। दूसरा क्वेश्चन है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है। आपको पूछ रहा है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी, पहली नहीं पूछ रहा है, दूसरी पूछ रहा है, सबसे बड़ी मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा निर्मित कोई झील है उसे कहते हैं कृत्रिम झील, वो कौन सी है, वह है जैसमंद झील, कौन सी है, जैसमंद झील। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, तो एक बार क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, वह है कौन सा जिला, बाड़मेर जिला, कौन सा, बाड़मेर जिला, जहाँ पे आपको क्या पूछेगा, किस जिले की विषमता अधिक है वार्षिक में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखो, राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वह है बनास नदी, कौन सी, बनास नदी, कौन सी नदी है, बनास नदी, जो पूर्णतः बहती है और सबसे लंबी नदी भी है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेजा बांध का निर्माण हुआ है, मेजा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ रहा है, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो मेजा बांध का निर्माण हुआ है वह है कोठारी नदी, कौन सी नदी, कोठारी नदी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाती है, राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, वह है बनास नदी, जो सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, और पूर्णतः बहने वाली नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, नौलखा सागर किस जिले में है, नौलखा सागर बूंदी जिले के अंदर है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे जिले मिलेगी जिसमें ये सागर है, नौलखा नाम से ही पता चल रहा है, नौलखा सागर किस जिले में, बूंदी जिले में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन व प्राकृतिक झील कौन सी है, प्राचीन भी है, प्राचीन का मतलब पुरानी, और प्राकृतिक, जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई झील है, वह झील है पुष्कर झील, कौन सी झील है, पुष्कर झील, और पुष्कर झील में कौन सा मेला लगता है, पुष्कर का मेला, और पुष्कर के मेला कब लगता है, अक्टूबर माह के अंदर, कब लगता है, अक्टूबर माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, माधो सागर बांध किस जिले में स्थित है, और वह जिला कौन सा है, माधो सागर बांध दौसा जिले में है, कहाँ पे है, दौसा जिले के अंदर। तो अगला क्वेश्चन इधर देखिए, महानदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए, महानदी पर निर्मित बांध का नाम है हीराकुंड बांध, क्या नाम है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, महानदी पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी बांध बना होगा वो किसी नदी के साथ बना होगा, तो आपको जब भी बांध याद करो उसके साथ में उस जिससे वो नदी से बन रहा है उसका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है,
तभी एक क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन तैयार होंगे। आपको क्या करना है, कोई भी बांध याद करो, उस बांध के साथ में आपको क्या करना है, उसकी नदी याद ज़रूर करनी है, और वह किस किस जिले में वह नदी बह रही है, वो कैसी नदी है, लंबी है, चौड़ी है, बड़ी है, किस प्रकार की है, और उसका सहायक नदियाँ कौन सी है, तब जाके आपको उस टॉपिक का पूरा क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मावठ का तात्पर्य क्या है। मावठ क्या है, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा। चक्रवातों से द्वारा होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहुधा सूखा व काल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है। जब भी राजस्थान में बहुत ज़्यादा सूखा और अकाल पड़ेगा तो इसका कारण क्या है, अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रसार। मतलब अरावली क्या करेगी, साउथ से लेकर वेस्ट तक जाएगी और उत्तर से पूर्व की ओर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, सूखा और अकाल पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है। पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, व्यास नदी पर स्थित है। कौन सा बांध, पोंग बांध। तो आपको ध्यान रखना है, बांध के साथ में नदी याद जरूर करनी है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है। ये बहुत तीन चार बार क्वेश्चन आया, लिफ्ट नहर है 8। कौन सी है, कवर सिंह, जेल और ये ज्वार सागर, ये सारी लिफ्ट नहर है, उनको ध्यान से पढ़ लेना, ये 8 लिफ्ट नहर है। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई, वह है हीरी के बांध। कौन सा, हरी के बांध। हरी के बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है। चंबल नदी का प्राचीन नाम है चर्मणवती। क्या नाम है, चर्मणवती। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी, पूर्व में जब घग्गर नदी कहाँ है, पाकिस्तान किससे नीचे जाते हुए जैसलमेर की तरफ जाती है, वो बाढ़ के उफान में होती है, तो वो कहाँ तक पहुँच जाती है, वह पहुँचती है अनूपगढ़ तक। कहाँ पहुँच जाती है, अनूपगढ़ तक। इम्पोर्टेंट आया हुआ। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। कौन सा क्षेत्र होगा इंदिरा गांधी नहर से, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, कौन सा होगा, तो वह होगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो इस प्रकार राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए। अगर आपको इंग्लिश क्लासेज पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।